In this run-of-the-mill life, a person has forgotten whether he has to go toward the good path or toward the bad path. He wastes his time on useless video and also in useless content. I hope that you will not wasting your time but use it in the right place. Please watch this video and share if you like it. ये कहानी है उनकी जिन्होंने अपनी मौत को हरा दिया था। मेजर डीपी सिंह, 15 जुलाई 1999। भारत पाकिस्तान के बीच हुई कारगिल युद्ध में मेजर दुश्मनों से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके काफ़ी नज़दीक आ फटा। उन्हें उसी समय फौजियों के अस्पताल ले जाया गया। वहां ले जाकर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित साबित कर दिया, मगर ये 25 वर्ष का नौजवान सैनिक मरने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर के कहने पर उन्हें नज़दीकी मुर्दा घर में ले जाया गया। वहां पर जाकर किसी अन्य डॉक्टर ने देखा कि उनकी सांसें अभी भी चल रही है। मोटार बम के इतने नज़दीक फटने से कोई भी आम व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन मेजर अपनी मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। उस वक्त मेजर इतने घायल थे कि उनके शरीर की आंतड़ियाँ खुली हुई थी, तो डॉक्टर ने उनके शरीर की कुछ आंतड़ियाँ काट दी क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उनको बचाने के लिए उनकी एक पैर भी काटनी पड़ी, मगर मेजर अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो अभी भी अपनी मौत से जंग लड़ते रहे। इस हादसे से उनके सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो चली थी। मेजर का मानना था कि उनकी ऐसी हालत देश के लिए हुई है। उन्हें गर्व था कि वो अपने देश की रक्षा करते करते घायल हुए थे। मेजर का इलाज एक साल तक चला था। उस बीच एक समय ऐसा भी था कि जब मेजर अपनी ज़िंदगी से जंग जीत चुके थे। उनके सामने बहुत मुश्किलें आ गई थी। उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था, मगर उन्हें ऐसी कमज़ोर ज़िंदगी पसंद नहीं थी। उनका इलाज एक साल तक चला। डॉक्टर का मानना था कि अब वो कभी अपने सहारे नहीं चल सकते, मगर उन्हें ऐसी अपंगता वाली ज़िंदगी स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे भी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद कुछ समय तक उन्हें बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ता था, और फिर उन्हें कुछ समय बाद आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया। उनके आर्टिफिशियल पाँव की वजह से उन्हें रोज़ बहुत दर्द सहन करना पड़ता था। वो अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ चलते दौड़ते और कभी कभार गिरते, मगर वो जब भी गिरते थे तो एक नए उत्साह के साथ खड़े होते, और उन्होंने अपनी मुश्किलों को भी हरा दिया था। वो सुबह 3 बजे उठ जाते और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वो मैराथन में दौड़ने लगे। उनकी इस मेहनत को देखकर उनके लिए अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बना एक आर्टिफिशियल पैर मंगवाया गया, जो कि बहुत लचीला और दौड़ने के लिए बेहतर था। इस तरह उनकी दौड़ने की स्पीड और ज़्यादा होती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता की ज़िंदगी को हरा दिया। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और मेजर डीपी सिंह भारत के सफल ब्लेड रनर बने, और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। मेजर देवेंद्र पाल सिंह आज तक कई मैराथन में भाग ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं। वे मैराथन रनर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। If you like this video, then please subscribe my channel and share this video. Jai Hind, Jai Bharat.